हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो नई दिन की नई शुरुआत के साथ मैं निधि आप लोगों के साथ आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। तो उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी ना मॉर्निंग के बज रहे हैं 8, बाकी ना आज धूप आ गई है। कल इतने लेट तक ना धूप नहीं आई थी, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप की स्टार्टिंग हो गई है। तो सुबह के टाइम में तो आजकल काफ़ी ठंडा होने लगा है पहाड़ों में, तो आप लोगों के यहाँ भी ठंडा हो रहा है तो आप लोग ज़रूर बताना, कहीं तो काफ़ी ठंडा होने लगा होगा। लेकिन हमारे यहाँ भी नॉर्मली है। बाकी हम लोग सुबह सुबह अपने कामों में लगे हैं, अभी पानी नहीं आया है, बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आजकल ना हमारे मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है एक हेल्दी जूस से। तो आजकल ना हम जूस पी रहे हैं, और दिन ना हस्बैंड जी बनाते थे, लेकिन आज हम लोग बना रहे हैं, अंजू बना रहे हैं जूस, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो हेल्दी जूस पियेंगे जो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो अभी अंजू लोग बना रहे हैं, यहाँ पे देवरानी जी और अंजू की तैयारी चल रही है। हेल्दी हेल्दी जूस बनाया जा रहा है। हाँ, चुकंदर है, आंवला, सेब, और लेके आए हैं हम कड़ी पत्ता, तो इसका ना हम जूस बना रहे हैं। अब देवरानी जी इसको पीस के लाएंगे। दोस्तों यहाँ मम्मी का नाश्ते में बन रहा है, सेवैया बना रहे हैं मम्मी। आज हम दूध नहीं पी रहे, आज सेवैया खाने वाले हैं। मम्मी बना रहे हैं टेस्टी सेवैया। यहाँ हमारा जूस आ गया है जो बना रहे थे, इसकी लागे दी मम्मी। आओ, अभी धूप आ गई है, सुबह की धूप में यहाँ पे आराम करते हैं, धूप लेते हैं। बाकी अभी हमारी सेवैया बन रही है ना, सेवैया खाने से पहले हम पियेंगे जूस। जूस पीना चाहिए वैसे, काफ़ी हेल्दी होता है हमारे लिए। तो आजकल ना हस्बैंड जी लोग बनाए थे तो आदत सी हो गई है, तो हम भी पियेंगे अब। और दिन सब लोग पीते थे, अब हम ही बैठे हैं। तैयार है हमारा जूस। ये रहा दोस्तों हमारा जूस, इसमें चुकंदर है ना, तो इसका कलर एकदम रेड हुआ है, तो पियेंगे। जी हाँ, जूस पी रहे हैं। हाँ, हमारी सेवैया बन गई। कैसा था टेस्ट? लीजिए, आप भी पीजिए। मम्मी लो जूस पियो आज हमारे हाथों का, कल तक भैया लोग पिला रहे थे। सबसे पहले हम लेके आते हैं सेवैया चाची लोग को, चाचा जी हैं घर में। हमारी सेवैया है तैयार, तो सेवैया एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, अब लग जाते हैं अपने काम पे, नाश्ता पकाने का काम है। तो चलते हैं, पहले तो ऊपर घर चलते हैं, भैंस बकरे को बाहर भी बांधते हैं। और आज ना हम सीधे खेत में जा रहे हैं, क्योंकि ना हमें हल जोता है तो उसमें डालनी है हमने खाद, तो वही काम होगा आज। तो चलते हैं ऊपर घर, पहले लेके जाते हैं बकरियों के लिए दाना, फिर अपने काम पर लगते हैं, फिर खेत का काम आराम से करेंगे। देवरानी जी हैं घर में, उनका काम होगा अभी पानी भरने का, क्योंकि अभी ना पानी नहीं आया है हमारे यहाँ, आज लास्ट बारी है, तो पानी आ जाएगा, वो करेंगे अपना काम। तो हम चलते हैं ऊपर घर, पहले बकरियों को बाहर बांधते हैं। मम्मी ने बांध ली है भैंस, बकरियाँ भी आ गई हैं हमारी बाहर। इनको ना सुबह बाहर आते ही सीधे दाने की आदत है, तो अपनी जगह पर जाएंगे सीधे। भैंस बकरियाँ बाहर बांध ली हैं, अभी हम भरते हैं गोबर, गोबर लेके जाएंगे मैं और अंजू। नहीं जी, सार में ही लेके जाएंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएगा ना। गुड्डू कहाँ गया? इसका दाना खा लिया इसने, इसे भगाओ नीचे। गुड्डू वहाँ चले गया सुबह सुबह, इनको लेके जाओ नीचे, लगा लो। मम्मी यहाँ काम पे लग गए हैं, डलिया को ठीक कर रहे हैं, मेरा काम चल रहा है। डलिया बात सही है, लेकिन किनारे से अब खराब होने लगा है। हम इसको नया बना रहे हैं अभी, वो काफ़ी जूस है उसका। रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं अभी। हम ऐसी चीज़ें अच्छा रिपेयर करते हैं। अब सही हो गया है, चलते हैं। तो दोस्तों गोबर हम लेके आ गए हैं सार में, कच्चा वाला। और आजकल ना गोबर यहीं ला रहे हैं सुबह, क्योंकि आजकल खाली दिन है तो यहाँ फेंकने में फ़ायदा है, कभी काम रहेगा तो उधर ही फेंक लेंगे घर के आसपास। तो अभी यहाँ पहुँच गए हैं, अब लगेंगे हम अपने दूसरे काम में। तो हमने गेहूँ बोए हैं, तो उसमें खाद डालना भी ज़रूरी है, तो अभी ही काम करेंगे। यहाँ पर 4-5 खेत लगातार है, तो उनमें हम डालेंगे अब खाद। तो अभी मम्मी भी आ रहे हैं पीछे से, हम लोग आगे आगे पहुँच गए हैं। खाद तो हमारी ऊपर है, जो सूखे वाली गोबर होती है उसको डालते हैं खेतों में, तो अब उसको लेके जाने हैं हमने खेतों में। अब लग जाते हैं अपने नए काम पे, हर सीज़न में नया नया काम शुरू होता है। वैसे तो हमारे यहाँ गेहूँ होते नहीं, जहाँ गेहूँ की फसल होती है ना
वहाँ तो खूब गेहूँ होने वाले हुए, हमारे यहाँ ना हो ही नहीं रहे हम, बट हमारे भैंस के लिए थोड़ा बहुत घास हो जाती है और खेत भी ऐसे सही रहते हैं, तभी हमने गेहूँ बोए हैं। तो हम चलते हैं ऊपर को, पहले हमें नीचे आना पड़ा, अब ऊपर जाना पड़ रहा है, चलते हैं। दोस्तों मम्मी का काम है यहाँ पे गोबर खुदाई करने का, तो ना हमने यहाँ पे पहले डाला था, तो ये अभी खाद के लिए सही गोबर हो गया है। तो अंजो मेरी ड्यूटी है गोबर ले जाने की, हम डलिया भरते रह रहे, बाकी अंजो भी खेत में वहाँ डाल रहे हैं, तो तब तक मैं डलिया भरती हूँ। दोस्तों शुरुआत हम अपने खेतों से कर रहे हैं, तो यहाँ अभी हमने 4 डलिया डाल दिए हैं, 2 तो हमारे कल के ही थे। अभी तो यहाँ पे कम से कम 5 खेत लगातार हैं, और अंजना लगे हाथ पूरे खेत में डाल रहे हैं खाद, एक साथ हो जाएगा ये वाला खेत ना भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर वाला खेत फाइनल करके अभी दूसरे खेत में पहुंच गए हैं, और दूसरा भी ना फाइनल होने वाला ही है। तो हमने यहाँ जगह जगह पे डाला है खाद, अभी इसको पूरे खेत में डालेंगे, बाकी मम्मी भी लेके आ रहे हैं, लास्ट है इस साइड डालेंगे हम। तो दोस्तों सुबह से हम आए थे, और अभी ना हमने 2 ही खेत फाइनल किए हैं आज, क्योंकि ना खाद काफ़ी लगती है और हम लोग ज़्यादा ज़्यादा डाल रहे हैं गेहूं होंगे करके, तो फाइनली 2 खेत हो गए हैं, बाकी के 2 खेत और बचे हैं, अब वो या तो कल ही करेंगे वैसे, क्योंकि शाम को हमारा घास को जाने का ही टाइम हुआ, तो उन खेतों की बारी कल होगी, बाकी फिर उधर को और है कनऊ साइड को ही बचेंगे, इधर के तो 2 ही खेत हैं। अब हम लोग घर को चलेंगे, 10 बज गए हैं, तो बकरियों के लिए सौंग काट के लेके जाते हैं, फिर चलेंगे। सौंग काटने से पहले मम्मी थोड़ा टहनियाँ काट रहे हैं इसमें से, क्योंकि हम लेके जाएंगे इनको घर को, मटर के छोटे छोटे पौधे हुए हैं तो उन पर लगाएंगे, तो ऊपर को बढ़ेंगे वो, उन पर ऐसे सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं, तो मम्मी वही काट रहे हैं। देवरानी जी यहाँ लगे हैं अपने काम पे, अपने भैंसों को संभाल रहे हूँ, लकड़ी से ना उन्होंने काफ़ी डराया है भैंसों को, मारने नहीं आ रहे अभी। हम चलते हैं नीचे घर, देवरानी जी ने सारा काम किया है, भैंसों को नहलाना, पानी देना, भैंस ना काफ़ी डरते हैं उन्हें लकड़ी दिखाओ तो देवरानी जी ने अपने काम कर लिया है, और हम भी घर पहुंच गए, अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद रोज जी की तरह दोस्तों अपने ड्यूटी पे आ गई हूँ मैं, ग्वाला वाली ड्यूटी पर, तभी बकरियाँ मेरे साथ ही है, कि तो यहीं पर रहती है, इसको आराम ही चाहिए, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ ग्वाला, बाकी और लोग घर में ही हैं आजकल ना, वैसे और कुछ काम नहीं होता, बस एक ग्वाला वाला ही काम हुआ, तो इसीलिए मैं पहुंच गई हूँ। अब चलाते हैं बकरियों को ग्वाला से आने के बाद ना, दोस्तों मैं भी जा रही हूँ धारा, क्योंकि अंजू लोग गए हैं वहाँ, अंजू और देवरानी जी कपड़े धोने के लिए, तो मैं चली पानी का कनिष्ठा लेके, बट आगे से है गाय, अब कैसे जाऊँ। चल 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 चल, मारने आती है। हाँ कपड़े धो के आ गए हैं और मैं इतनी दूर हूँ, अब ये लोग मुझे रुकेंगे। बाप रे, सामने से गाय लग गई थी ना, उसने मेरा रास्ता इतने लेट तक जाम कर दिया ना, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि वो गाय मारने आ रही थी, इतना लेट उसी की वजह से हो गया, वरना अंजू लोगों के साथ ही मिल जाती धारा में ही, तो अंजू लोग वापस आ गए हैं, अभी रास्ते में रुके हैं मतलब मुझे, तो मैं ऐसे फटाफट से कनिष्ठा भर के ले जाती हूँ, अभी मेरे से बिना किसी हेल्प के उठाए भी नहीं जाता, तो ट्राई करते हैं आज उठा पाते हैं कि नहीं, फिलहाल तो चलते हैं। यहाँ देखो धारा में आजकल इतना पानी है ना, ओवर पानी कितनी स्पीड में वेस्ट हो रहा है, देखो यहाँ चलते हैं, भरते हैं यहाँ से पानी। हम आए पानी लेके, अंजू तो मुझे रुके थे, बाकी देवरानी जी घर पहुँच गए होंगे, कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे हैं, हम चले। धारा का पानी वैसे हमारे भैंस ज़्यादा पीते नहीं है ना, तो खेतों के लिए ही होता है, देवरानी जी लगे हैं कपड़े डालने पर। बोलो तो दोस्तों, अभी हम खाना खा रहे हैं, अभी हम लोग खाना खाएंगे, क्या बनाया है आज? बैठ के डूब के, धारा से आ गए हैं कपड़े धो के, अब उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, आजकल तो ना धूप में बैठ के ही खाने में सही रहता है, क्योंकि ठंडा भी होता है, बट हम लोग बैठे हैं आधे छाया में आधे धूप में, धूप छाया दोनों है यहाँ पे, आज भटके डुबके बने हमारे फिर से। हमारे भटके डुबके
इंजॉय करेंगे अभी। करो कढ़ाई का स्वाद कौन लेना चाहेगा आप? असली टेस्ट तो कढ़ाई में ही आता है लास्ट में। पहले ही खाना शुरू नहीं किया है, कढ़ाई की बात पहले शुरू हो गई है। पहले तो थाली वाला खा लेते हैं हम, बस साइडों को रोटो। चलो यहाँ देवराज जी आप थाली चाट चाट के साफ करने वाले हैं। कैसे लगे आपको टिक्की? टेस्टी बने थे। आज देवरानी जी ने बनाए हैं ना, इसलिए उन्होंने कि पांचे बार पूछ लिया है कैसे बने। अच्छे बने, काफ़ी टेस्टी है। उंगली चाटते रह जाओगे वाला सीन है। कढ़ाई में शायद मेरे को ही मिलने वाला है। हाँ देखो रौनक हमारे साथ बैठ गया है यहाँ पे। खाना तो खा नहीं रहे लेकिन खाने वाले टाइम पे पहुँच गया है। अब आ गई है दोस्तों मेरे पास कढ़ाई। इसी का टेस्ट ना सबसे बेस्ट रहता है, इसमें जम लगती है यहाँ पे कुरूट। वैसे थोड़ा थोड़ा कुरूट सबने टेस्ट कर ली है, बाकी मेरे लिए बची है। खाते भी कढ़ाई का स्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे जेठानी जी ने लगा रखी है चाटा चाट। अभी हम आपको कढ़ाई साफ करके दिखाएंगे। लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा स्वाद आता है। तो यहाँ पे जेठानी जी ने कर दी है कढ़ाई साफ। बाप रे तुमने तो बिल्कुल चमका दिए। ये स्वाद है आपके हाथों में, आज इतना स्वाद है। इसको धोने का जरूरत, इसकी धोने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे हाथों में कितना स्वाद आया कि आपने कढ़ाई साफ कर दी। हाँ आपसे डिमांड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम और बनाए, हम ऐसे ही चाटते रहें। बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं घास को, बस रोज का ही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम। अभी हमारे हैं घास को जाने की बारी। तो आजकल हम तीन ही लोग जा रहे हैं, कभी कभी मम्मी हमारे साथ आते हैं तो कभी नहीं आते। आज मम्मी आ रहे हैं तो हम तीन चलेंगे, बाकी ना आजकल घर का सारा काम देवरानी जी करते हैं, उनको हमने सौंपा है घर का काम। तो हम अब तीनों चलेंगे घास को। आजकल ना वैसे ज़्यादा घास हो नहीं रही है, तो जितनी भी होगी हमारे भैंसों के लिए तब तक चली जाएगी। तो हम चलते हैं अब घास को। बाकी ना आप लोगों के साथ मैं अपनी पहाड़ की डेली लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, जो मतलब हम सुबह से शाम तक करते हैं। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आती होगी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आती होगी ना तब भी बताना, वैसे तो पसंद आती होगी, लेकिन हो सकता है किसी किसी को पसंद नहीं आती। अगर आप लोग को पसंद नहीं आती तो कमेंट में बताना पसंद नहीं आती करके। कोई कमी लगती हो तो वो भी ज़रूर बताना, हम सुधार करेंगे ना। मतलब ब्लॉगिंग बना रहे हैं आप लोगों के सपोर्ट से, थोड़ा आगे को बढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। वैसे सबसे मेन तो होता है फैमिली का सपोर्ट, वो ना भर भर के होता है। काफ़ी सपोर्ट मिलता है फैमिली से, तो आप लोगों का सपोर्ट भी उतना ही चाहिए। तो फिलहाल तो अब चलते हैं दोस्तों घास को हम तीनों। बाबरे हमारे भैया आज आ गए हैं, अपनी ताई जी के यहाँ गए थे। और देखो क्या लेके आए हैं। ये आई है चाची लोगों के यहाँ से सब्जी, मूली है, हरी सब्जी है, लाई है और है कद्दू। सारा ग्रीन ग्रीन सब्जी आ गई है। तो दोस्तों हमारा सारा खाना बन गया है, रोटी सब्जी। बाकी सब्जी तो हमारी रोज़ पहले से तैयार मिलती है, रोटी हम दोनों ने मिलके बना ली है। तो आजकल ना घर की सारी जिम्मेदारी देवरानी जी की है, मतलब घर का जितना भी काम रहता है, छोटा मोटा भैंसों को देखना, बाकी सारा काम आजकल वही करते हैं। हम लोग घास को जाते हैं, वैसे हमारा एक ही काम, उनका काफ़ी सारा काम हुआ, क्योंकि घर में रह के ना काफ़ी काम बन जाते हैं। तो आज ना खाना काफ़ी जल्दी बन गया है, 7 भी नहीं बजे और हम लोगों ने बना लिया है। तो अभी थोड़ा देर में खाना खा के ऊपर घर को ही चलेंगे। और ना दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो में तो आजकल बस सुबह से शाम तक का आपको रूटीन दिखाते हैं। जो लोग ना वीडियोज़ में लाइक करते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो उनको ना बहुत सारा थैंक यू। जो लोग सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें भी, क्योंकि हम काफ़ी सपोर्ट से बनाते हैं और मेहनत भी लगती है थोड़ा बहुत ना। आप करते हैं यहीं पे इस वीडियो को एंड। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं आई हो तो भी लाइक करना। तो कल मिलेंगे आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियोज़ देखते रहें, लाइक कॉमेंट भी करना। बाय बाय।